खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिमा, आपसे जानना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा। जी बिल्कुल प्रियंका, गांधी ने जो जोरदार हमला किया है वो किस वार पर उन्होंने पलटवार किया बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉग लिखा, ब्लॉग में उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपने मन की बात कही। तो बता दें आपको कि उन्होंने क्या कहा। वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है, प्रेस से पार्लियामेंट तक, सोल्जर से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा। 2014 में देशवासियों ने परिवार तंत्र को नहीं लोकतंत्र को चुना, विनाश को नहीं विकास को चुना, शिथिलता को नहीं सुरक्षा को चुना, अवरोध को नहीं अवसर को प्राथमिकता दी। वोट बैंक की राजनीति के ऊपर विकास की राजनीति को रखा। साल 2014 को जनादेश का जनादेश ऐतिहासिक था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर वंशवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। जब कोई सरकार फैमिली फर्स्ट की बजाय इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ चलती है तो ये उसके काम में भी दिखाई देता है। बीते 5 वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। आज हर क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन का अर्थ यह है कि देश में एक ऐसी सरकार है जिसके लिए देश की संस्थाएं सर्वोपरि है। तो पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर यह साफ कहा। संसद के ऊपर पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा जरा ये जान लीजिए। 16वीं लोकसभा की कुल प्रोडक्टिविटी शानदार तरीके से 85% रही, जो 15वीं लोकसभा से कहीं अधिक है। वहीं 2014 से 2019 के बीच राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 68% रही। देशवासियों को यह पूछना चाहिए कि आखिर राज्यसभा ने उतना काम क्यों नहीं किया जितना लोकसभा में हुआ। वे कौन सी शक्तियां थीं जिन्होंने सदन के भीतर इतना हंगामा किया और क्यों? हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस वार पर पलटवार किया प्रियंका गांधी ने। ये पीएम मोदी का ब्लॉग है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी पर उन्होंने क्या लिखा है। वंशवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां कभी भी स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के साथ सहज नहीं रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया सबसे पहला संवैधानिक संशोधन फ्री स्पीच पर रोक लगाने के लिए ही था। तो पीएम मोदी ने अपनी ब्लॉग में ये तमाम हमले किए हैं जिसका जवाब दे रही थी प्रियंका गांधी। संविधान और न्यायालय पर उन्होंने आगे बोला है, कांग्रेस के काम करने का तरीका एकदम साफ है, पहले नकारो, फिर अपमानित करो और इसके बाद धमकाओ। यदि कोई न्यायिक फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वो इसे पहले नकारते हैं, फिर जज को बदनाम करते हैं और उसके बाद जज के खिलाफ महाभियोग लाने में जुट जाते हैं। तो ये पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए तीखे हमले किए हैं। सरकारी संस्थानों पर उन्होंने क्या कहा, अब जरा ये जान लीजिए। यूपीए शासन के दौर को याद कीजिए, उस समय कांग्रेस ने सीएजी पर सिर्फ इसलिए सवाल उठाए थे क्योंकि उसने कांग्रेस सरकार के 2G घोटाला, कोयला घोटाला जैसे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। तो पीएम मोदी के ये तीखे हमले कांग्रेस पर, सशस्त्र बल यानी डिफेंस को लेकर उन्होंने क्या कहा है। 1947 के बाद से ही कांग्रेस की हर सरकार में तरह तरह के रक्षा घोटाले होते रहे। घोटालों की इनकी शुरुआत जीप से हुई थी जो तोप, पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। इनमें हर बिचौलिया एक खास परिवार से जुड़ा रहा है। तो ये तीखे हमले प्रधानमंत्री मोदी के, आगे उन्होंने कहा, याद रखिए अगर हम अपनी स्वतंत्रता बचाए रखना चाहते है तो हमें हर पल सतर्क रहना होगा। तो पीएम मोदी का ये वही ब्लॉग जिस पर पलटवार किया है प्रियंका गांधी ने, वही प्रियंका गांधी जो आज वाराणसी पहुंच रही हैं उनके किले को भेदने की कोशिश करने के लिए। शोभना, बिल्कुल ठीक कह रही है प्रतिभा। और अब 2019 चुनाव तक ये वार पलटवार का दौर लगातार चलता ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा तो उस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। पंकज का हम रुख कर लेते हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है खाता न बही बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। लगातार हमलावर हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधी पर। अब राहुल गांधी की बात का जवाब न देकर वो प्रियंका गांधी का जवाब दे रहे हैं लगातार। देखिए, राजनीति में ना, पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि टाइमिंग देखिए, आज प्रियंका गांधी पीएम मोदी के गढ़ में यानी उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। तो टाइमिंग देखिए, वो मीडिया स्पेस को लेकर के लड़ाई है। जब प्रियंका वाराणसी आ रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगी, दर्शन करेंगी, लोगों से मिलेंगी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग में जिन बातों का जिक्र किया, संस्थानों के बारे में या फिर वंशवाद के बारे में, तो फिर प्रियंका ने भी बिना देरी किए उसका जवाब दिया है।
ये है कि अगर प्रियंका बनारस में आती है तो मीडिया स्पेस उन्हें ज्यादा मिलेगा। मोदी को भी इस बात का एहसास था और इसीलिए ब्लॉग लिखा उन्होंने। एजेंडा डाइवर्ट करने की बात हो रही है, फिर प्रियंका ने भी उसी पिच पर जाकर के बैटिंग की है। भले ही कल होली हो, लेकिन अगर देखें हम यहाँ पर काशी में, अगर सियासी जमीन पर देखें तो दिवाली जैसा माहौल है। यानी एक तरफ से मोदी की तरफ से हमला हो रहा है तो उसका जवाब फिर प्रियंका की तरफ से आता है, फिर प्रियंका की तरफ से भी हमला हो रहा है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को इंगेज करने की कोशिश में जुटी हुई है और दोनों ही पार्टियों को, भले ही पीएम मोदी हो या फिर प्रियंका हो, दोनों को सूट करता है कि इस आपस की लड़ाई में एसपी बीएसपी के गठबंधन को मीडिया स्पेस से, विमर्श से, बहस से, बातचीत से, चर्चा से थोड़ा सा अलग रखा जाए, ताकि ऐसा दिखे कि लड़ाई इन दोनों के बीच में है और ये मोदी चाहते भी हैं और प्रियंका उसमें फंस भी रही हैं। ठीक है, पंकज आप बने रहिए हमारे साथ और प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। So what's the question? The question is that do you agree when the Prime Minister says dynasty politics has ended institutions? The BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं है। चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें हम डरते नहीं है। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे।